Two MLAs, part of Team Sachin, have released videos raising grievances against the current government. Listen in to what MLAs Hema Ram Chaudhary and Vishwendra Singh said in these video messages that they have put out. देखिए, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता से, भरतपुर की जनता से, राजस्थान की जनता से और इस प्रदेश के अलावा देश की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से राजस्थान की सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। परसों तक मैं उनका कैबिनेट मंत्री था, आज मुझ पर SOG के ACG के केसेस लगा दिए गए हैं। इन केसों का क्या अर्थ निकल रहा है? हमने कोई बेईमानी नहीं की, बेबाकी से बोलने वाला आदमी हो बेबाकी से बोलता रहूँगा और ऐसी गीदड़ भमकियों से मैं डरता नहीं। हमने पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं किया ना कोई कर रहे हैं, केवल नेतृत्व बदलने की मांग हुई थी और अब भी वही है। मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं जनता से कि भ्रमित ना हो, आप जो भी ये सुन रहे हैं अखबारों में, प्रचार और TV के माध्यम से, इस पर कतई ना करें। मैं हूं भंवरलाल जी शर्मा साहब हैं, हमारी 30-30, 35-35 साल की राजनीति हो गई, हमने जनता की सेवा की है और आपका प्यार और आशीर्वाद अगर हमेशा की तरह रहेगा तो निश्चित रूप से हम विजयी साबित होंगे और ये लोग गलत साबित होंगे। इतना ही मेरा निवेदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। TV के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के जो बयान सुने उसको सुन करके मुझे बड़ा आघात हुआ, प्रदेश की जनता को भी इससे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि एक व्यक्ति जिसने राजस्थान के अंदर कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो गई थी उसको वापस जीवित किया और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और उसके बाद में उनको दरकिनार कर दिया गया और वो पिछले सरकार बनने से लेकर के अब तक सरकार में अगर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी तो उनकी थी और उनके बारे में इस तरह का बयान देना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व में परशुराम जी मदेरणा, CP जोशी और इस बार पायलट, इन तीनों के नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो कांग्रेस सत्ता में आई हमेशा और सत्ता में आने के बाद में हमेशा इनको दरकिनार कर दिया जाता है और अशोक जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये इस तरह की हमेशा चाल करते हैं, इसलिए इस प्रकार की चालों से आप बाज आएं और किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने से बाज आएं, क्योंकि कौन भ्रष्ट है कौन नहीं है ये सारी प्रदेश की जनता जानती है। इसलिए मेहरबानी करके आपने जो कुछ वक्तव्य अभी दिया, कुछ दिन पहले भी दिया, ये बोखला भरा वक्तव्य है, आप मेहरबानी करके राजस्थान की जनता से एक बार माफी मांगे और इस भविष्य में इस प्रकार के वक्तव्य बंद करें।